बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर दिवाली। आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। अब क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी गाड़ियां जिनके लिए आपको वेट करना चाहिए इन 2018। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वो 5 गाड़ियां जिनके लिए आपको अगले साल रुकना चाहिए। और उनमें से सबसे पहली गाड़ी है मारुति स्विफ्ट 2018। ये नए जेनरेशन के प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी हार्टेक करके। इसका वजन 100 से 150 किलो तक कम रहेगा कंपेयर टू द करंट स्विफ्ट। इसमें आपको सेम इंजन आएंगे, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.3 लीटर डीजल, और ये दोनों इंजन आपको आएंगे विद 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT के साथ। यानी कि आपको पहली बार मिलेगा 5 स्पीड AMT डीजल में भी और पेट्रोल में भी। ये दोनों इंजन के अलावा इसे नए फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सैटेलाइट नेविगेशन, और साथ ही साथ होपफुली इसमें आपको रियर पैसेंजर्स को रियर एसी वेंट्स तक मिलने चाहिए। रियर एसी वेंट्स नहीं मिले तो एटलीस्ट 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा पीछे के पैसेंजर्स को। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग LEDs और इसके टेल लैम्प्स भी LEDs रहेंगे। तो जो नई स्विफ्ट आएगी मार्केट में, उसमें आपको जेड प्लस करके एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और ये वेरिएंट की प्राइसिंग ज्यादा रहेगी व्हेन कंपेयर्ड टू द रेगुलर स्विफ्ट। तो नई स्विफ्ट का अनवील होगा इन फरवरी एट द ऑटो एक्सपो जो ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। अगर आपको उसके बारे में लाइव जानना है तो तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं ऑटो एक्सपो में टू सी द अनवील ऑफ द न्यू मारुति 2018 स्विफ्ट। तो दोस्तों, अगली गाड़ी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो भी एक मारुति प्रोडक्ट है, और ये है मारुति अर्टिगा 2018। ये भी नए प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी। इसका वजन भी कम कर दिया जाएगा बाय एटलीस्ट 100 टू 150 किलोस। इसमें आपको मिलेगा 1.3 लीटर का डीजल इंजन और मोस्टली 1.4 लीटर का पेट्रोल भी कंटिन्यू होगा। हमारे हिसाब से इन दोनों में भी आपको AMT ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे पेट्रोल हो या डीजल। इस गाड़ी में आपको ज्यादा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये गाड़ी ज्यादा स्पेशियस रहेगी, स्पेशली फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स, और साथ ही साथ इस गाड़ी की विड्थ बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, जिस वजह से आपको 3 जने पीछे कंफर्ट में बैठ पाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। तो नई अर्टिगा ज्यादा लाइट रहेगी, ज्यादा पावरफुल रहेगी, इसमें फीचर्स ज्यादा, खैर इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इसके जो इंटीरियर्स रहेंगे वो ऑल न्यू रहेंगे और वो डिजायर से काफी हद तक मेल खाएंगे। तीसरी गाड़ी जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है रेनो की न्यू कॉम्पैक्ट MPV। जी हाँ, रेनो काम कर रहा है एक कॉम्पैक्ट MPV पे, यानी कि वो 4 मीटर से छोटी रहेगी लेकिन फिर भी वो 7 सीटर रहेगी। वो रेनो के क्विड प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, यानी कि CMFA प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, और ये 7 सीटर SUV रहेगी। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलना चाहिए। जितना हम समझ रहे हैं ये दो इंजन ही यूज किए जाएंगे ऑन दिस प्रोडक्ट। ये 7 सीटर रहेगी, इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा और वो काफी सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको क्विड में मिलते हैं और उससे ज्यादा मिलेंगे। इनफैक्ट ये कम्पीट करेगी विद द मारुति अर्टिगा, लेकिन इसका मेन एडवांटेज ये रहेगा कि ये 4 मीटर से छोटी है तो इसे ज्यादा ड्यूटी कट मिलेगा और ये ज्यादा अफोर्डेबल रहेगी। क्योंकि ये क्विड प्लेटफॉर्म पे बनाई जा रही है इसलिए ये हाईली लोकलाइज रहेगा, तो इस वजह से आपके गाड़ी का इनिशियल कॉस्ट, आपका सर्विसिंग कॉस्ट, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लिमिटेड रहेगा और ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अब चौथी गाड़ी जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो है Hyundai की न्यू हैचबैक। अब काफी जने इसे प्रेडिक्ट कर रहे थे टू बी द सैंट्रो, और ये एक्चुअली सैंट्रो का रिप्लेसमेंट मॉडल ही है अगर हम इसे टेक्निकली देखें। इसे सैंट्रो नाम दिया जाएगा कि नहीं वो क्लियर नहीं है। Hyundai कह रहा है कि इसका नाम सैंट्रो नहीं होगा,
और इसका लॉन्च होना चाहिए अगस्त और अक्टूबर 2018 के बीच में। इसकी प्राइसिंग रहेगी बिटवीन 3 to 6 lakh रुपीस। ये पेट्रोल और शायद डीजल में भी ऑफर कर दी जाए। ये गाड़ी में आपको मिलेगा 1 liter का इंजन जो ऑलमोस्ट 65 to 70 bhp तक का पावर प्रोड्यूस करता है। ये 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहली ह्युंडई रहेगी जिसमें आपको AMT तक का ऑप्शन मिलेगा। फीचर्स इसमें भरपूर मिलेंगे, टच स्क्रीन सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेविगेशन वगैरह वगैरह, आप जो बोलोगे उस सेगमेंट में मिलता है, यानी कि एक सेगमेंट ऊपर तक जो फीचर्स आते हैं वो इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। अब बहुत जल्दी है इस गाड़ी के बारे में और बताने को क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हाँ ये गाड़ी काफ़ी फीचर लोडेड रहेगी, स्पेशियस रहेगी और ये टॉल बॉय डिज़ाइन रहेगा जैसे ह्युंडई सैंट्रो है। पांचवी गाड़ी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो है निसान किक्स एसयूवी। ये एक ऑल न्यू एसयूवी रहेगी फ्रॉम निसान जो टेरानो से थोड़ी ऊपर रहेगी, यानी कि जो रेनो कैप्चर है वो प्राइस पॉइंट पे आएगी ये एसयूवी। और इसकी खासियत रहेगी इसकी स्टाइलिंग जैसे रेनो कैप्चर है, तो ये दिखने में ज्यादा स्टाइलिश रहेगी, इसके इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम और अप मार्केट रहेंगे और ये भी उसी टेरानो की तरह प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, तो इसका कॉस्ट भी कम रहेगा और ये गाड़ी ज्यादा रगेड और स्ट्रॉन्ग रहेगी। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपको मिलेगा कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप, टच स्क्रीन सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेविगेशन मोस्टली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी इसमें उपलब्ध कराया जाएगा और इस गाड़ी में आपको अच्छी स्पेस मिलेगी। ये एक 5-seater SUV है जो ऑलरेडी ब्राजील में लॉन्च हो गई है और निसान इसे लॉन्च करना चाहिए बाय mid or towards the second half of 2018. इसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का K9K डीजल इंजन जो 108 bhp तक का पावर प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ ये आएगा with 6-speed manual and 6-speed AMT hopefully. मेरे हिसाब से निसान और रेनो दोनों एक नया ट्रांसमिशन डेवलप करें जो ऑटोमेटिक रहेगा और उनके करंट डीजल इंजन पे लग के आएगा। तो हमारे हिसाब से किक्स में शायद आपको डीजल ऑटोमेटिक भी मिल जाए और ये इंजन रेनो कैप्चर में भी ऑफर कर दिया जाएगा, यानी कि रेनो कैप्चर और निसान किक्स दोनों में आपको डीजल ऑटोमेटिक मिलना चाहिए शायद अगले साल एंड या उसके बाद कभी, पर ये दोनों कंपनीज एक ऑटोमेटिक डेवलप कर रहे हैं फॉर देयर डीजल इंजन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये बहुत ही क्विक सेशन था ऑन द 5 upcoming कार्स इन द इंडियन कार मार्केट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत ही इसे लाइक दे दीजिए और कुछ भी और सवाल हो अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट्स और आप कोई और स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, मैं उनके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ दोस्तों, हमारा सीरीज चल रहा है एक ऑल न्यू वेब सीरीज, कोई भी ऑटो चैनल ने कभी ऐसा नहीं किया है, वी आर द फर्स्ट टू डू दैट। 3 दोस्तों की कहानी जो SUVs लेके जाते हैं, पहले ड्रैग रेस करते हैं, फिर इंटीरियर कंपैरिजन होते हैं और फिर क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है और अगर आपको कुछ भी और जानना है तो आप motoroctane.com पे जाके हमारे सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द Motoroctane YouTube चैनल। टेक केयर गाइज एंड ड्राइव सेफ।